का परफॉर्मेंस अच्छा है, बट बजट में हमें उम्मीद है कि टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो, मध्यम आय वर्ग को सुविधा हो। साथ में ही जैसे मैं फार्मा से रिलेटेड जॉब मतलब जॉब चलाता हूँ, तो जैसे मेडिसिन में पहले 5% टैक्स होता था, उसे 5% के स्लैब में ही लाया जाए, और जो 13.5% के स्लैब में था उसे चाहे बेशक 12% के स्लैब में जाए, उससे कस्टमर को भी फायदा होगा। आगे बजट से हमें काफी कुछ उम्मीदें हैं, खासकर निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग में। इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं, सर्विस पर्सन है जो सर्विस देते हैं गवर्नमेंट को, उसको काफी उम्मीदें हैं। निम्न वर्ग चाहता है कि हमारे जो बेसिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उस पर कम से कम टैक्स लगे। इसके अलावा मध्यम वर्ग का लोग है कि हम किसान वर्ग है, उसके जो सब उर्वरक चीज़ें हैं उस पर टैक्स कम से कम लगे, जिससे कि उसके किसान की आय बढ़े। जो कुछ भी बजट में आए सरकार, जो कुछ भी लेके आए, वो घरेलू जो महिलाएं हैं उनको देखते हुए लेके आए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि GST के अंदर में जो भी चीज़ें उन्होंने बढ़ाई हैं या घटाई हैं, वो अपने हिसाब से सब कुछ लोग अपने उस पर कर रहे हैं। बट जो GST का जितना भी अभी तक इफेक्ट पड़ा है हम लोगों पे, गैस को हम ले लें या किचन का सा कुछ भी ले लें, तो उसमें ये हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कभी एकदम से रेट को ये हर महीने बढ़ जा रहा है। अगर हम आज कहें कि कुछ चीज़ 700 रुपीज़ की है, तो वो नेक्स्ट मंथ 700 समथिंग की हो जाएगी, तो उससे हमारे जो बजट है वो पूरा इफेक्ट हो रहा है।